Good morning, students. Today we will start with the topic of divide and conquer. ठीक है, divide and conquer algorithm with recurrence relation. ठीक है, discrete mathematics का हमारा ये topic है. ठीक है, divide and conquer algorithm. First of all, we will discuss about what is divide and conquer. Divide and conquer algorithm, it means recursively breaks down a problem. एक problem है हमारे पास, ठीक है, एक complex problem है. उस problem को हम सब problems में जब divide कर देते हैं, छोटे छोटे problems में जब एक problem को divide कर देते हैं, ठीक है, एक या फिर उससे ज़्यादा सब प्रॉब्लम्स में जब एक प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, और तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि हमें सॉल्यूशन ना मिल जाए और वो जो प्रॉब्लम है वो सिंपल ना बन जाए और जिससे सॉल्यूशन हमें डायरेक्टली मिल ना जाए, तब तक उस प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है. ठीक है, डिवाइड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पी है. प्रॉब्लम पी को मैंने P1, P2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, बट इससे भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई. फिर इस P1 को मैंने P3 और P4 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और इसको भी मुझे करना पड़ेगा P5 और P6. अगर इसके बाद भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फर्दर मैं क्या करूँगी, P7, P8 प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दूंगी एंड सो ऑन. कब तक सो ऑन, जब तक कि मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिंपली नहीं आ जाता है, या मेरी जो सिचुएशन है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल नहीं हो जाती है, या मेरे पास डायरेक्टली आंसर नहीं आ जाता है, तब तक मैं उस प्रॉब्लम को क्या करूंगी, ब्रेक करती जाऊंगी. ठीक है, ये प्रॉब्लम है, दिस इज प्रॉब्लम, आई हैव डिवाइडेड दिस प्रॉब्लम, यू हैव टू डिवाइड द प्रॉब्लम, कंकर. जब सॉल्यूशन मिल जाता है, सपोज यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है, तो उसको क्या कर दूंगी, मैं कंबाइन कर दूंगी. डिवाइड एंड कंकर का क्या होता है, डिवाइड कंकर फिर उसको कंबाइन कर दो. कब कंबाइन करना है, जब मेरे पास सॉल्यूशन मिल जाता है तब हम उसको डिवाइड उसको कंबाइन कर देंगे. पहले डिवाइड कर दो, फिर उसको कंकर करो. कंकर मतलब उसमें सॉल्यूशंस ढूंढ के, जैसे ही सॉल्यूशन मिल जाते हैं उस चीज को दोबारा क्या कर दो, कंबाइन कर दो. ठीक है, अभी आप देख रहे हो ये एक ट्री स्ट्रक्चर बन गया है, ये एक ट्री स्ट्रक्चर मुझे पता चल गया है. अब इसकी अगर मुझे हाइट देखनी है, इस ट्री की हाइट और इसकी कम्प्लेक्सिटी, मुझे ये बताना है कि डिवाइड एंड कंकर रिकर्सिव रेकरेंस में कैसे है, रेकरेंस के साथ कैसे डील करते हैं, रेकरेंस के साथ कैसे रिलेट करते हैं, मुझे ये बताना है. मैंने आपको रेकरेंस रिलेशन का भी वीडियो भेजा है. रेकरेंस रिलेशन क्या होती है, रेकरेंस हम तीन तरह से सॉल्व कर सकते हैं. आपके सिलेबस में जो मेथड है वो है जनरेटिंग फंक्शंस के साथ, तो मैंने जनरेटिंग फंक्शन के एग्जांपल के साथ आपको रेकरेंस रिलेशन का टॉपिक करवाया है. ठीक है, उस अब आपने देखना है कि अगर ये देखो इसकी हाइट क्या है, इस वाले यहाँ तक के लेवल की हाइट क्या है, 0, 1, 2, 3, इसको हम 2K में मेजर करेंगे. यहाँ पे इसकी हाइट 1 आ जाएगी, ठीक है, हम 2, 1. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2K, यहाँ पे 2K-1, 2K-2. ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर n है, ये वाले लेवल का जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो n है, यहाँ पे n/2 एंड दिस इज n/4, अब आगे एक्सीडिंग n/8, फिर n/16, इस तरह से प्रॉब्लम डिवाइड हो जाएंगी. पहले प्रॉब्लम n थी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, n है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n, मतलब 1, अगर n की वैल्यू 1 है तो 1, n की वैल्यू अगर 2 है तो मैंने प्रॉब्लम्स को देखो डिवाइड में आ गई ये चीज n/2, यहाँ पे n/4, इस लेवल पे n/8 एंड सो ऑन. ठीक है, मतलब हम इस चीज को जनरली कैसे लिख सकते हैं, अगर सपोज करो ये प्रॉब्लम है मेरे पास, ठीक है, सपोज करो ये प्रॉब्लम है, ये ट्री है, इसको दो हिस्सों में मैंने बांटा और मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है. तो मैं कैसे लिखूंगी प्रॉब्लम को, देखो मैंने आपको रेफरेंस रिलेशन को हमेशा हम टर्म्स में देखते हैं, TN/A, ठीक है, N/A, ठीक है, N/A, यही होता है ना रेफरेंस रिलेशन का जनरल फॉर्मूला. उसी तरह हम लिखेंगे N/A, एक ही जगह क्या आ जाएगा, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, 2 + TN/2,
देखो पी को मैंने कैसे लिख दिया, ये पी वन है, ये पी टू है, ठीक है, ये टी एन बाय टू, ये टी एन बाय टू, प्लस हम क्या करते हैं एक कांस्टेंट फंक्शन, मतलब एक ये क्या होता है एडिशनल कॉस्ट फंक्शन होता है, जब भी डिवाइड करने में जो भी एडिशनल कॉस्ट आता है इसको हम कांस्टेंट फॉर्म में लेते हैं, उसको हमने ऐड करनी होती है, इसको आप कांस्टेंट मान लीजिएगा, मतलब ये क्या है एडिशनल कॉस्ट व्हेन वी डिवाइड द प्रॉब्लम्स। अब इस चीज को मैं कैसे लिख सकती हूं, टू टी एन बाय टू, ठीक है, प्लस एफ एन, ऐसे लिख सकती हूं। और अगर मुझे जनरल में लिखना है इन जनरल फॉर्म में रेकरेंस रिलेशन को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, P इक्वल्स टू टी एन बाई ए प्लस एफ एन, ठीक है, ये क्या है, टी क्या है टर्म, एन क्या होगा जो आपको पावर में दिया जाएगा, ए जो सी भी आपने ए निकालना है, ठीक है, सेकेंड लेवल टू है तो आपको टू निकालना है, मतलब आपको ये देखना है कि प्रॉब्लम्स कितने में डिवाइड है, यहाँ पे टू प्रॉब्लम्स में डिवाइड है, आपने यहाँ पे टू लिखना है, अगर जैसे अगर ये होता पी थ्री होता पी फोर होता तो आप यहाँ पे क्या लिखते, एन बाय फोर, सॉरी एन बाय थ्री, एन बाय थ्री एंड एन बाय फोर, इस तरह से आप लिखते, जैसे यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स है ना, तो अगर नेक्स्ट लेवल का आप लिखते तो n बाय फोर, एन बाय फोर, एन बाय फोर, फिर उसके बाद n बाय एट, एन बाय एट, इस तरह से आप लिखते हैं। ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो है तो आपने n बाय टू लिखे, दो प्रॉब्लम्स हैं, सपोज करो इसी का ही मैंने को जैसे ये है इसी लेवल को मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, टी एन बाय फोर, ठीक है, प्लस टी एन बाय फोर, प्लस टी एन बाय फोर, प्लस टी एन बाय फोर, प्लस एफ एन, इसको कंबाइन करूंगी एक दो तीन चार, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, फोर टी एन बाय फोर प्लस एफ एन, एफ एन इस तरह से लिखा जाएगा इन जनरली। तो इन जनरल मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एन बाय ए, ठीक है, टू और यहाँ पे टू आएगा, फोर आएगा, एट आएगा, सिक्सटीन आएगा, वो तो डिपेंड करता है कि आपकी किस लेवल पे प्रॉब्लम है, किस लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी लेवल वन की है, टू की है, थ्री की है, मतलब आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो कितनी डिवाइडेड है, वो हम एक की वैल्यू हम उस पर डाल देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जैसे यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स में डिवाइडेड था तो मैंने दो प्रॉब्लम्स थी, ये प्रॉब्लम वन, ये प्रॉब्लम टू, n बाय टू मैंने इसलिए लिखा, ये टू मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये टू इसमें डिवाइडेड है, टू इसमें डिवाइडेड है, ये दो प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो गई है। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट लेवल की मुझे करनी है तो नेक्स्ट में चार तो आएंगी, दो इसकी चार तो आएंगी, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी टू की जगह फोर लिख दूंगी और उसको मैं फोर टाइम्स लिख दूंगी। अगर और नेक्स्ट लेवल आ गया तो वो एन बाई एट हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये बढ़ता ही जाएगा। तो जनरली मैं कैसे लिख सकती हूँ, टर्म इंटू एन ओवर ए प्लस एफ एन, एफ एन इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है जिसको हम एडिशनल कॉस्ट के लिए रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने यही लिखने की कोशिश की है कि जब हम एक प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह अगर सपोज टी एट निकालना है मुझे, टी एट निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी, एन बाय एट, यहाँ पे आ जाएगा एट, एट टू एन बाय एट, क्योंकि एट बार तो आएगा ही। उसी तरह अगर मुझे फोर निकालना है, यहाँ पे टी फोर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा टी फोर प्लस एफ एन, यहाँ पे आ जाएगा फोर, ठीक है, फोर टर्म्स तो निकलेंगी ना, फोर टर्म्स तो निकलेंगी। अब इसका एल्गोरिदम देखिए, एल्गोरिदम ऑफ डी एन सी, मतलब डिवाइड एंड कॉन्कर। सबसे पहले अगर प्रॉब्लम स्मॉल है, स्मॉल प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर दीजिए, हम इफ पार्ट को हम सॉल्व कर देंगे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डिपेंड करता है किस तरह की प्रॉब्लम है, अगर स्मॉल है तो सॉल्व हो जाएगी, अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो डिवाइड करो पी इंटू स्मॉल प्रॉब्लम्स, पी को डिवाइड कर दो स्मॉल प्रॉब्लम से, तब तक डिवाइड कर दो जब तक कि सोल्यूशन ना आए, ठीक है, जब तक डिवाइड कर दो तब तक कि सोल्यूशन ना आए, ठीक है जी। ये होता है डिवाइड एंड कॉन्कर, हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर, समझ आ गया। अब इसको रेफरेंस रिलेशन के साथ इसका कैसा रिलेशन है मैंने वो भी बता दिया, डिवाइड एंड कॉन्कर रिलेटेड विद द रेफरेंस रिलेशन, हाउ इट रिलेटेड, ये इस तरह से रिलेट करता है, जब हम प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर देते हैं तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी या उनकी कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल बनाने के लिए हम ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन को बना देते हैं, ठीक है।
अब बात आती है कि ये डिवाइड एंड कॉन्कर कहाँ कहाँ पे डील करता है, मतलब कौन कौन सी एप्लीकेशंस में डिवाइड एंड कॉन्कर हमारा यूज होता है। सबसे पहले होता है बाइनरी सर्च में, ठीक है, फिर क्विक सॉर्ट में, मर्ज सॉर्ट में, ये इसकी एप्लीकेशन है। अब आप इनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन को लिख सकते हो। आप बाइनरी सर्च कर लेना कि डिवाइड एंड कंकर हम बाइनरी सर्च में भी डील करते हैं, क्विक में भी करते हैं। जो आपने एल्गोरिदम किए होंगे आप वो वाला एल्गोरिदम यूज कर सकते हो इसके लिए, अगर पूछा जाए तो। ठीक है, इस वीडियो में कोई और दिक्कत हो, जैसे कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा जरूर। थैंक यू सो मच।